Mobility on the basis of race, ethnicity, and caste. This is the topic for this session. Just like the income, there are many other social attributes like race, ethnicity, caste, gender, and religion. They all have a greater influence on social mobility. Normally, people try to raise their income. टू इम्प्रूव देयर स्टेटस बट देयर आर स्टिल सम मैनी इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स दोज आर इन्फ्लुंसिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल मोबिलिटी लाइक रेस का जहाँ तक ताल्लुक है जो नस्ल का ताल्लुक है बहुत सारे ऐसे डिवेलप कंट्रीज हैं जहाँ पर आज भी नस्ल की बुनियाद पर लोगों के साथ ट्रीट किया जाता है जैसे हम अमेरिका की एग्जाम्पल ले लें वहाँ आज भी जो तो अफ्रीकन्स हैं जिनको वहाँ ब्लैक कहा जाता है उनके साथ वहाँ के जो लोग लोकल लोग हैं जिनको वाइट कहा जाता है और वाइट सुप्रीमेसी का जो कॉन्सेप्ट है वो आज भी अमेरिका जैसे डेवलप्ड मुल्क के अंदर मौजूद है और वहाँ अफराद के दरमियान माशरे के अंदर जो तनाव है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉटेंट है इसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर वहाँ पर जो ब्लैक हैं वो अपने स्टेटस को इम्प्रूव करने के लिए अपनी इनकम को रेस करने की भी एफर्ट करते हैं बहुत सारे ब्लैक जो हैं वो इवन वहाँ के जो वाइट फैमिलीज़ हैं उनके अंदर शादी भी करते हैं ताकि शायद इसी तरीके से माशरे में उनका स्टेटस जो है वो इम्पोर्टेंट कंसिडर हो जाए ब्लैक्स के अंदर ये भी कोशिश है लेकिन उनका नंबर कम है कि जो एजुकेशन के थ्रू इम्पॉर्टेंट जॉब्स में आकर अपनी फैमिलीज़ के स्टेटस को इम्प्रूव करने की एफ़र्ट करते हैं ऐसे ही अगर हम कहें एथनीसिटी की बुनियाद पर सोशल मोबिलिटी बहुत सारे पार्ट्स दुनिया के ऐसे हैं जहाँ पर एथनिक आइडेंटिटीज़ की बेस पर मोबिलिटी जो है उसे आज भी इम्पोटेंट कंसिडर किया जाता है जैसे दुनिया के अंदर कुछ ऐसे ममालिकँ पर एक ख़ास नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद जो हैं वो ये कोशिश करते हैं कि उन्हीं की नस्ल के दूसरे अफराद जहाँ पर आबाद हैं वहाँ जाकर किसी तरीके से सेटल होकर अपनी अपने स्टेटस को इम्प्रूव करने की कोशिश की जाए ऐसे ही जो कास्ट का ताल्लुक़ है जैसे भारत एक बहुत बड़ी एग्ज़ाम्पल है इंडिया के अंदर कास्ट की सिस्टम की बुनियाद पर अफराद को जैसे सोशली ट्रीट किया जाता है उसको समझना बहुत ज़रूरी है कि क्या एक कास्ट को चेंज करके ही सोशल स्टेटस को इम्प्रूव किया जा सकता है डेफिनेटली दिस इज आउट ऑफ क्वेश्चन कास्ट नहीं बदल सकती तो ये बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो सोशल मोबिलिटी के रास्ते की रुकावटें भी हैं और ख़ास तौर पर अगर हम इसको केस के तौर पर यूएस की स्टडी कर लें कि वहाँ पर लोगों के साथ क्या हो रहा है कि अफराद या लोग अपनी कोशिश या मेहनत के ज़रिए अपनी इनकम को तो जनरेट कर लेते हैं उसकी बेस पर वो इंडिविजुअल स्टेटस को इम्प्रूव करते हैं लेकिन ना तो वो अपनी नस्ल को बदल सकते हैं ना ही वो अपनी एथनिक लॉयलिटीज को बदल सकते हैं आइडेंटिटीज़ को बदल सकते हैं और ऐसे ही ना ही कोई भी अपनी कास्ट को चेंज करना चाहता है तो क्या अमेरिकन जो ड्रीम है क्या वो ड्रीम ही है या एक रियलिटी है so we can say that america is a biggest example of the mobility social mobility or specifically the upward mobility on the basis of income but still we can say that on the basis of other relevant determinants they cannot change their social setup or social identity although there are some indicators overall in the world that people tries to move

ताकि वो रिसर्च उसकी पहचान बन जाए दीज ऑल इंडिकेटर्स आर इम्पॉर्टेंट दीज ऑल इंडिकेटर्स आर रेलिवेंट दैट ऑन द बेसिस ऑफ इनकम ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल्फ आइडेंटिटी दे कैन इम्प्रूव देयर सोशल स्टेटस बट ओवरऑल इमेज देयर आर मैनी हर्डल्स लाइक रेस लाइक एथनीसिटी एंड लाइक द कास्ट फैक्टर दीज ऑल फैक्टर्स आर एक्चुअली द हर्डल्स इन द प्रोसेस ऑफ सोशल मोबिलिटी